नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो गाड़ी आप अपने सामने देख रहे हैं, ये महिंद्रा मैक्स पिकअप गाड़ी है और ये स्पेशल एडिशन की गाड़ी है। मॉडल 2009 का है। 2009 में मैक्स मैक्सी ट्रक में स्पेशल एडिशन में ये गाड़ी आई थी। बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थी तभी ये गाड़ी। आजकल भी इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, खास करके इस गाड़ी की चेसिस को लेके। गाड़ी की चेसिस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि गाड़ी 5 टन तक भी लोग इससे वज़न उठाते थे और गोल लाइटों में जाया करती थी। आजकल ये गाड़ी उसके अपर वेरिएंट में आते आते जो उसमें तब्दीली आई है गाड़ी में, वो बलेरो पिकअप और बलेरो मैक्सी ट्रक का शेप में वो गाड़ी आ गई है। और पहले ये गोल लाइटों में आया करती थी, मैक्स पिकअप और मैक्सी ट्रक स्पेशल एडिशन के नाम से। तो ये 2009 मॉडल की गाड़ी है और ये सेकंड हैंड गाड़ी बिकाऊ है। इसमें आपको सारी कंडीशन दिखा देता हूँ गाड़ी की पहले, फिर आपको बता देता हूँ कितने रुपए में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो कंडीशन वाइज गाड़ी ठीक ठाक है और देसी डाला लगा हुआ है। टायरों की हालत भी अच्छी खासी है। टायर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें मोटी गुड्डी वाले हैवी ड्यूटी टायर लगे हुए हैं जो कि अच्छा ग्रिप बनाते हैं अगर आप ज़्यादा वज़न लेके चलते हैं गाड़ी से। तो कीमत इस गाड़ी की भी मात्र 1,60,000 पर रखी गई है और ये 2009 मॉडल की गाड़ी है और पंजाब नंबर ये गाड़ी है। और डाला आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं, देसी डाला है और इस डाले की हालत बिल्कुल अच्छी खासी है। तो करीब 50,000 का तो ऐसा डाला ही बनता है। ओवरऑल कैबिन की हालत भी ठीक है, हालांकि 11-12 साल पुरानी गाड़ी है, उससे थोड़े से कैबिन जो है थोड़े से स्क्रैचेस हैं, लेकिन डाला गाड़ी का बिल्कुल मजबूत है। का फर्श भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो फर्श वगैरह भी आप नीचे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फर्श वाइज भी गाड़ी बिल्कुल ओके है। नॉर्मली ऐसा होता है कि डाले की जो हालत रहती है वो ख़राब हो जाती है इतनी पुरानी गाड़ी में, लेकिन जो हम देसी डाला लगवाते हैं वो सालों साल चलता है, ख़राब नहीं होता है, मजबूत डाला है। और स्टेपनी भी यहाँ पे पड़ी हुई है, स्टेपनी की हालत भी अच्छी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैक्स पिकअप गाड़ी करीब 12-13 का माइलेज ये गाड़ी दे रहती है आपको डीजल में। और नीचे कमानी पट्टा है इस गाड़ी के और पट्टों का काम भी नीचे हो रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाने के लिए इसी गाड़ी का इस्तेमाल काफ़ी सालों से होता आया है और काफ़ी फेमस थी ये गाड़ी और आजकल भी है। जिन भाइयों का बजट कम है वो इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। और पेपर्स की अगर बात की जाए तो पेपर्स इसमें साथ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ आरसी मिलेगी, इसके टैक्स और फिटनेस जो है वो इनकम्प्लीट है, सिर्फ आरसी आपको साथ में वैलिड मिल जाएगी। बाकी अंदर आप चेक कर सकते हैं, कैबिन वाइज भी गाड़ी अच्छी हालत की है। 1,60,000 के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। इंजन वाइज गियर वाइज गाड़ी बिल्कुल ओके है, कोई भी समस्या आपको नहीं मिलेगी। और कैबिन के अंदर का फर्श भी कहीं से भी गला सड़ा नहीं है, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये पुराने शेप वाली गाड़ी, जो पुराने पहले ऐसे इसमें डिजिटल मीटर जो आजकल आ रहे हैं, पहले इसमें एनालॉग मीटर आया करते थे, वो इस प्रकार का डैशबोर्ड उसमें देखने को मिलता था। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पे जाके मैसेज कर लें ज़्यादा जानकारी के लिए। और अगर आपको वीडियोज़ दिखाए गए अच्छे लगते हैं तो लाइक किया करें और सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और कमर्शियल गाड़ियों के वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।